बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको भाई आज इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लिक एक दो मैं न्यूज़ भी यहाँ पर आपको पढ़कर सुना देता हूँ और आप भाइयों के साथ थोड़ी बात भी शेयर करूँगा। एक तो बूस्टर शॉट को लेकर काफ़ी भाई परेशान है, दूसरा इकामा छुट्टी नहीं बन रखे हैं इस चीज़ को भी लेकर परेशान है, तीसरा भाई ये जो ओमिक्रॉन न्यू वायरस आ चुका है इसके केस भी रिकॉर्ड हो रखे हैं। आज किन कंट्रीज़ में रिकॉर्ड कुछ हो चुके हैं और सऊदी अरब इसके मुतल्लिक क्या कह रहा है, मैं आपको यहाँ पर ट्वीट भी दिखाता हूँ और साथ में पढ़कर भी बता देता हूँ। मैं सबसे पहले तो कुछ भाई मुझे कमेंट करते हैं बूस्टर डोज के मतलब, भाई बूस्टर डोज के मतलब यहां पर आपको मैं ट्वीट दिखा देता हूं, उसके बाद ही इसके मतलब बात कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रखे होंगे, बूस्टर डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, ड्यू टू दीज रीजन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कह दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। सऊदी अरेबिया में यह लाजम हो चुकी है, आप सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान या इंडिया के लिए छुट्टी जाना चाहते हैं तो इस हिसाब से जाइएगा, किस हिसाब से कि आपको सेकंड डोज लिए हुए 6 माह के बाद आप इलिजिबल होंगे बूस्टर डोज के लिए, तो बूस्टर डोज लगवाइए। अगर 8 माह तक नहीं लगवाई तो आपका स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा, तो छुट्टी जाने के टाइम इस चीज़ के ऊपर खास नजर रखिएगा। यानी कि आप 5 माह बाद छुट्टी चले जाते हैं, आपको सेकंड डोज लिए हुए 5 माह गुजर चुके हैं, तो आप 3 माह की छुट्टी गुजार कर आते हैं तो आपका स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा। आप सऊदी अरब में जब वापस आएंगे उस टाइम अगर फ्लैट्स ओपन हुई तो फिर भाई आपको यहाँ पर कंटाइन गुजारना पड़ जाएगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आपका स्टेटस इम्यून नहीं होगा, दोनों डोज तो आपने ली होंगी, तो इस चीज़ के मतलब भी आप गौर रखें। दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान में मेरे भाई बैठे हुए हैं आपके मतलब बता देता हूँ, इकामा छुट्टी के मतलब अगर हम इस वायरस की बात करें जो कि ओमिक्रॉन भाई न्यू वायरस आ चुका है, अभी मैं आज ही पढ़ रखा था बहरीन में और लबनान में, इन दो कंट्रीज़ में भी इसका एक एक केस रिकॉर्ड हो चुका है और कन्फर्म न्यूज़ है। पाकिस्तान में भी मैंने 2 दिन पहले सुना है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ूंगा इसका कोई भी किसी किस्म का चर्चा नहीं है। तो भाई सऊदी अरेबिया पाकिस्तान इंडिया की फ्लैट्स अभी तक ओपन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ओपन ही रहेंगी मुझे पूरी उम्मीद है जी। लेकिन अगर सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ का चर्चा शुरू हो गया पाकिस्तान में कि ये केस आना रिकॉर्ड हो चुके हैं, ये है वो है, तो फिर पाकिस्तान की फ्लैट्स के लिए भाई खतरा की घंटी बज जाएगी सऊदी अरेबिया यानी कि फ्लैट्स के लिए, ठीक है। आप भाई जो पाकिस्तान में बैठे हुए अपना ऑफिस वगैरह चेक करें, अपनी छुट्टी वगैरह अपना इकामा वगैरह देखते रहें, जैसे ही बड़े 5-7 दिन के वक्फे के बाद की टिकट ले लें लेकिन सऊदी अरब में पहुंचे, बेहतर भाई आपके लिए यही है। अभी मैं खुद से आपको ये मशवरा देता हूं कि जैसे ही आपका इकामा छुट्टी बढ़े टिकट लेकर भाई 5-7 दिन वक्फे की क्यों बोल रहा हूं, आपको थोड़ी सस्ते में मिल जाएगी। मैं आपके साथ पहले की वीडियो शेयर कर चुका हूं, न्यू एक भाई न्यू वीज़ा के तौर पर यहां पर सऊदी अरब भी आ चुका है, मैं उसके साथ मुकम्मल तफसील से बात कर चुका था। आप यकीन करें कि मैं वो सामने कैमरे के नहीं आना चाहता था, मैं कन्फर्मली बात आपके साथ वो शेयर किया मैंने, उसने सऊदी एयरलाइन के थ्रू आया 2 लाख का कंटाइन पैकेज और एयरलाइन की टिकट वगैरह खरीद कर आया। तो 5-7 दिन के वक्फे के बाद स्टे के बाद आप लेंगे यानी कि वक्फे के लेंगे 5-7 दिन का वक्फा डालकर, तो आपको यकीनन बात है भाई 1.5 लाख के अराउंड में कंटाइन पैकेज और टिकट वगैरह भी मिल जाएगी। तो अभी तक की जो ताज़ा तरीन खबरें बोल रहे हैं यार यही हैं इस वायरस की चलते हुए बूस्टर डोज के मुतल्लक और फ्लैट्स के मुतल्लक। तो आप भाई कोशिश यही करें आपके इकामे वगैरह छुट्टी वगैरह ऑप्शन में शो हो तो आ जाएं, अगर आप करवाना चाहते हैं तो अपने मंदूब को बोल दें, किसी सऊदी को बोल दें, किसी दोस्त को बोल दें, किसी मकतब में भेज दें, कुछ करें बस, मैं ये बोलूँगा आप।